हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आपको ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन से ब्लेंडिंग टूल्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में। ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्योंकि ब्लेंडिंग से काफ़ी स्मूथ टेक्स्चर आता है, और स्मूथ टेक्स्चर मतलब कि बिल्कुल रियलिस्टिक शेडिंग, जिस तरह की आपकी फ़ोटोग्राफ है सेम वैसा ही पेपर पर ड्रॉ करना, उसको बोलते हैं रियलिस्टिक ड्राइंग, जो कि ब्लेंडिंग से ही होती है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो आप रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं कर पाओगे, और ब्लेंडिंग से पहले आपकी शेडिंग अच्छी होनी चाहिए। और शेडिंग पे मैंने कल वीडियो अपलोड किया है, तो आप शेडिंग वाली वीडियो देख लेना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो शेडिंग वाली वीडियो पहले देखना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। सो लेट्स सी। सबसे पहले ये है ब्लेंडिंग स्टंप, जिनके बारे में आपको पता होगा, इनको यूज़ करते हैं हम ब्लेंडिंग के लिए। कई लोग बोलते हैं कि वाइट पेंसिल कौन सी यूज़ करते हो आप, तो ये वाइट पेंसिल नहीं है, ये पेपर के होते हैं, ब्लेंडिंग स्टंप बोलते हैं इसको, और इससे काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटे एरियाज़ के लिए आप छोटे यूज़ कर सकते हैं, और लार्ज एरियाज़ के लिए आप लार्ज यूज़ कर सकते हैं। इनको क्लीन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सैंड पेपर। सो ये है मेरे पास सैंड पेपर, इसके ऊपर इजीली बस ऐसे रब करना है और ये काफ़ी इजीली क्लीन हो जाएगा। सो इस तरह से आप इसको क्लीन कर सकते हैं ब्लेंडिंग स्टंप को, किसी भी साइज़ के ब्लेंडिंग स्टंप को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं सैंड पेपर का यूज़ करके। और आप कोई कपड़े का यूज़ कर सकते हैं इसको साफ़ करने के लिए, लाइक ये मेरे पास कपड़ा है तो इसके ऊपर रब करना है बस, जैसे यहाँ पे ख़राब है तो इसके ऊपर रब कर दो तो ये थोड़ा बहुत साफ़ हो जाएगा। बीच में आप काम करते हुए ऐसा कर सकते हैं। सो ये थे पेपर स्टंप जिनका आप यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया होते हैं। अब सेकंड नंबर पे है मेरे पास ब्रश, जो कि कैमलिन का है, सिंपल 5 नंबर का ब्रश है ये, तो आप देख सकते हैं आगे से किस तरह का है। इस तरह के ब्रश हम यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए, काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है लार्ज एरियाज पे, हेयर वगैरह पे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से कर सकते हैं हम। थर्ड नंबर पे है मेरे पास कॉटन बड्स, जो कि आप देख सकते हैं ये सिंपल कॉटन बड्स हैं, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कॉटन बड्स से भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। और लास्ट में मेरे पास टिश्यू पेपर, इससे भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है अगर आपको लार्ज एरियाज पे करने हैं या फिर स्मूथ शेडिंग करनी है तो। अब मैं आपको इनको ब्लेंड करके दिखाता हूँ किस तरह से हम इससे ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं पेपर के ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ 4B पेंसिल का यूज़ करके, और 4 शेडिंग करूँगा मैं, क्योंकि 4 हमारे पास टूल्स हैं तो उनको ब्लेंड करने के लिए उनसे। और शेडिंग किस तरह से करनी है वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको देख लेना, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ पेपर स्टंप, क्लीन है बिल्कुल, और ईजिली इसके ऊपर रब कर रहा हूँ मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, शेडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है पेपर स्टंप का यूज़ करके। अब मैं यूज़ करूँगा ब्रश, लास्ट में आपको एक ड्राइंग में भी शेडिंग करके दिखाऊंगा कौन से पार्ट में कहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इनको। अब आप देख सकते हैं कि ब्रश से किस तरह से ब्लेंडिंग हो रही है, और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ टिश्यू पेपर, और इसके बाद यूज़ करूँगा कॉटन बड, तो आप देख लेना काफ़ी डिफरेंस है चारों में। अपनी फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर कितनी शेडिंग है, किस तरह से है ब्लेंडिंग, उसके अकॉर्डिंग इनको यूज़ करो। अब मैं डार्क पेंसिल का यूज़ करूँगा 6B पेंसिल का। अब डार्क पेंसिल में देखते हैं कि किस तरह से ब्लेंडिंग होती है। सब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है चारों में। और मैं अब आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ कि किस तरह से शेडिंग करते। सो यह है ड्राइंग जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, तो मैंने इसमें शेडिंग कर लिया। अब मैं ब्लेंडिंग स्टंप का यूज़ करके जो भी छोटे एरिया है वहाँ पे पहले ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, तो जहाँ पे छोटे एरिया है वहाँ पे आप छोटे ब्लेंडिंग स्टंप का यूज़ करो। तो देख सकते हैं एक जो लेफ्ट साइड में मैंने कर रखी है और राइट साइड में नहीं किया मैंने, तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है। जो लेफ्ट साइड में है वो काफ़ी स्मूथ लग रही है, और जो राइट साइड में है वो इतनी स्मूथ नहीं लग रही है, तो मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। ये वाले एरिया में देखो कि कितना स्मूथ लग रहा है, और ये वाला एरिया स्मूथ नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें मैंने ब्लेंडिंग की है और इसमें नहीं की है। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ सबसे छोटा वाला ब्लेंडिंग स्टंप। सो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ लग रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में ब्लेंडिंग कर ली और उसको छोड़ दिया,
उसको ऑब्जर्व करो कितना डार्क है कितना लाइट है, उसके अकॉर्डिंग उसको शेड करना होता है। अब ये वाले पार्ट में देखो, ये जो टी शर्ट है वो मैंने ओनली शेडिंग की है, उसमें ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं किया, और मैं बड़े वाले ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, और काफ़ी स्मूथली उसको ब्लेंड कर रहा हूँ मैं काफ़ी स्लोली। इस तरह के एरियाज़ के लिए तो ब्लेंडिंग स्टम्प बेस्ट है डार्क एरियाज़ को ब्लेंड करने के लिए। सो अब देखो इस वाले पार्ट में मैंने ब्लेंडिंग कर दिया और ऊपर वाले में नहीं है, तो काफ़ी स्मूथ लग रहा है ये वाला पार्ट, और अब मैं उस वाले पार्ट में भी ऐसे ही ब्लेंडिंग करूँगा पूरे में। सो अब आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ लग रहा है, और इसके ऊपर से भी और शेडिंग होगी और ब्लेंडिंग होगी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, और इसमें हाईलाइट भी होंगे अभी काफ़ी ज़्यादा, तो उसको आपने फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग शेड करना है। अब जो ये वाला पार्ट है ये काफ़ी बड़ा भी है थोड़ा सा, और इसमें स्मूथ शेडिंग करनी है, तो उसके लिए मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए। इस वाले पार्ट में भी मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ अब, तो आप देख लो मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली इसके ऊपर रब करना होता है, काफ़ी स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा ऐसे, और इसके ऊपर से फिर शेडिंग कर सकते हैं हम। अब ये स्मूथ हो गया है तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसके ऊपर से शेडिंग करूँगा 4B पेंसिल का यूज़ करके। अब मैं यूज़ करूँगा कॉटन बट का, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर से टिश्यू पेपर का यूज़ करूँगा तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, बट हमको ज़्यादा स्मूथ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत डार्क चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं हम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस जो ब्लेंडिंग स्टम्प है हमारा वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब फेस के लिए मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, फेस के जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं उसके लिए हम टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, और जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वहाँ पे हम ब्लेंडिंग स्टम्प कॉटन बर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फेस पे मैंने बिल्कुल हल्के से शेडिंग की है HB पेंसिल का यूज़ करके। हेयर को ब्लेंड करने के लिए हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल लो प्रेशर के साथ। इसके बाद अभी हेयर और डार्क करने हैं मुझे, और इस वाली ड्राइंग में मैंने हेयर इसी से ब्लेंड किए थे। सो गाइस ये हैं ब्लेंडिंग टूल्स जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, मैं तो इन्हीं का यूज़ करता हूँ। बाकी मैं तो ये कहूँगा आप खुद एक्सपेरिमेंट करो कि कौन से एरिया में आपको कौन सा यूज़ करना है, किस तरह से शेड करना है, खुद ऑब्जर्व करो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।